तो हेलो स्टूडेंट्स, हेलो बच्चों, नवाबा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आभा सेक्शन में आपका स्वागत है। तो जैसा कि इकोनॉमिक्स का सेट टू का मैं पार्ट वन ले चुका हूं, तो यहां पे मैं पार्ट टू लेने जा रहा हूं और ये भी ऑब्जेक्टिव रहेगा आपका समष्टि अर्थशास्त्र का, है ना। तो मैं पार्ट थ्री, पार्ट फोर, पार्ट फाइव सभी एक साथ में अपलोड धीरे धीरे कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा मैं बिजी हो गया था तो उसके लिए सॉरी कर रहा हूँ, है ना। तो मैं आज यहाँ से आपका सारी चीज़ें जो बाकी थी मैं यहाँ पे अपलोड कर दे रहा हूँ, तो देख लीजिए। और अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पर आप इसका PDF भी पा सकते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप में हमारा जो टेलीग्राम ऐप अगर इंस्टॉल नहीं किया तो पहले टेलीग्राम का ऐप इंस्टॉल करें और उसके बाद फिर हमारे ग्रुप जो है बोर्ड आभा जैक बोर्ड, वहाँ से जाके जुड़ जाएँ। बोर्ड आभा जैक बोर्ड जो कि आपको नाम दिख रहा है वहाँ से जुड़ जाएँ और जाके हमारे चैनल को मतलब कि वहाँ से ज्वाइन कर लें। और अगर इसके अलावा मैंने नीचे लिंक भी दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे जाके भी शेयर मतलब ज्वाइन कर सकते तो कर लें। बहुत सारे अगर वहाँ से ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे तो इसलिए मैंने बता दिया कि कैसे आपको ज्वाइन करना है। जाके ग्रुप खोलिए और नाम लिख के सर्च कीजिएगा, बोर्ड आभा जैकपॉट मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, मैंने वेस्टी अर्थशास्त्र का तो पार्ट वन ले लिया है, तो चलिए पार्ट टू में हम यहाँ पे 31 से आपका क्वेश्चन करवाएंगे। तो देखिए आ गया है, तो यहाँ से हमको करवाना है समष्टि अर्थशास्त्र का। आज मैं क्लास लेने वाला हूँ और इसका मतलब कि जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है उसका सॉल्यूशन करवा दूंगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि राष्ट्रीय आय का मापन निम्नलिखित में से किस विधि से किया जाता है, विच मेथड इज अडॉप्टेड इन मेजरिंग नेशनल इनकम। तो 31 में देखिए मैं आपको बता दूँ कि नेशनल इनकम आपको इन सभी तरीकों से मापा जाता है, प्रोडक्शन मेथड, उत्पादन विधि, आय विधि, इनकम मेथड और व्यय मेथड। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सपेंडिचर मेथड। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज, ये सभी आंसर आपका सही हो जाएगा। देखिए 32 में क्या पूछा है, 32 में कि प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन शामिल है। तो मैं आपको बता दूं कि विच वन इज इंक्लूडेड इन प्राइमरी सेक्टर। तो आपका जो प्राथमिक क्षेत्र में है वहाँ पे आपका है ना उत्पादन से जुड़ा हुआ है, प्रोडक्शन से कोई भी चीज़ का, याद रखिएगा। और सेकेंड द्वितीय क्षेत्र में आपका विनिर्माण होता है, मॉडिफिकेशन जहाँ पे होता है, इंडस्ट्रियल चीज़ें जहाँ पे जुड़ी हुई होती है वो द्वितीय क्षेत्र में आती है। और फिर उसके बाद आपका तृतीय क्षेत्र आता है कि जो आपका सर्विस सेवा से जुड़ा हुआ है, जैसे कि मैं अभी टीचिंग कर रहा हूँ तो ये भी एक सर्विस हुआ, ये तृतीय क्षेत्र हुआ, सर्विस दे रहा हूँ, सेवा प्रदान कर रहा हूँ, बैंक हो गया, तो ये सभी तृतीय क्षेत्र में होते हैं। तीन सभी चीज़ों को आप याद रखा कीजिए, है ना। इससे एक क्वेश्चन आपका फिक्स रह रहा है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि द्वितीय क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में अंतर करना सीख लीजिए। तो प्राथमिक क्षेत्र इनमें से कौन है, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, तो यहाँ पर तो ये सभी लग रहे हैं, भूमि, वन, खनन। तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये सभी आंसर आपका 32 का सही हो जाएगा। देखिए अगला 33 में पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा का कार्य नहीं है। तो मुद्रे के जो भी कार्य हैं, फंक्शन ऑफ मनी, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ मनी। तो आपको पता होगा 33 का कौन सा आंसर सही होगा कि नहीं, विनिमय का माध्यम तो है ही, मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो है। उसके बाद देखिए मूल्य संचय, स्टोर ऑफ वैल्यू भी है। और उसके बाद देखिए ये क्या पूछ रहा है कि लेखा की इकाई, यूनिट ऑफ अकाउंट, ये भी है, लेकिन कीमत स्थिरता नहीं है, प्राइस स्टेबिलिटी का काम नहीं है। तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। जनता का बैंक कौन सा है, विच वन इज द बैंक ऑफ द पब्लिक, है ना। तो ऑप्शंस देखिए दिया हुआ, व्यापारिक बैंक, कमर्शियल बैंक, केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक, और ए और बी बोथ दिया हुआ है ना दोनों, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 34 का आपका आंसर हो जाएगा व्यापारिक बैंक, याद रखना ये जनता का बैंक है। और ये बैंकों का बैंक कहा जाता है किसे, केंद्रीय बैंक को। अगला देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना क्या हुई, RBI की। यहाँ पे पूछ रहा है कि इस्टेब्लिश्ड ईयर पूछा गया, कौन से ईयर में ये इस्टेब्लिश्ड हुआ है, तो कौन से ईयर में इस्टेब्लिश्ड हुआ है ये। तो आपको 35 को आपको क्या हो जाएगा, 35 का 1935 में इसका हुआ था, याद रखिएगा। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। 36 में पूछ रहा है MPC और इसका बाद मतलब कि ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, MPC प्लस MPS। तो ये दोनों ऐड करके क्या होता है, जो भी आप चैप्टर बच्चों कर रहे हैं इकोनॉमिक्स का, स्टूडेंट्स जितने भी आप लोग कर रहे हैं, तो आप अच्छे से सभी चैप्टर का अच्छे से कोर्स कर दें। मैं हो सकता है क्रैश कोर्स लेने जा रहा हूँ अपने ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में मैं क्रैश कोर्स लूँगा इसका, है ना, इकोनॉमिक्स का। ज्वाइन करना है तो वहाँ पर जाकर ज्वाइन कीजिएगा, एक दो दिनों में मैं क्लास शुरू करने वाला हूँ, मैं बोल दे रहा हूँ। 36 का आपका क्या हो जाएगा, तो 36 का आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, एक होता है जुड़ के। 37 का देखिए पूछ रहा है, सरकार के कर राजस्व के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूडेड अंडर द गवर्नमेंट टैक्स रिवेन्यू। तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा, आपको देख लीजिए, आयकर दिया हुआ है, कॉरपोरेट टैक्स दिया हुआ है, निगम कर, है ना, आयकर, सीमा कर, एक्साइज ड्यूटी, सभी आपके यहाँ पर आंसर सही है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। भुगतान शेष का घटक आपको पता रखना है कि कर राजस्व में ये सभी चीज़ें आती है टैक्स में। अगला देखिए भुगतान शेष का, इसीलिए सभी का ऑफिस और डिपार्टमेंट भी अलग अलग है। भुगतान शेष का घटक है द कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इज, क्या दिया हुआ है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट मतलब चालू खाता, पूंजी खाता, बोथ ए एंड बी मतलब कि दोनों, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो 38 का आपका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, है ना, सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं।
आपको 39 में पूछ रहा है कि भुगतान संतुलन में असमानता का कारण है, द रीजन ऑफ इनबैलेंस ऑफ पेमेंट इज, आंसर ऑप्शंस देखिए क्या क्या दिए हुए हैं, प्राकृतिक कारण, नेचुरल रीजन्स, आर्थिक कारण, इकोनॉमिक रीजन्स, राजनीतिक कारण, पोलिटिकल रीजन्स, और इनमें से कोई नहीं नॉन ऑफ दीज। तो आपका 39 का ऑप्शन कौन सा सही होगा, इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज, इसका नन ऑफ दीज आपका आंसर सही हो जाएगा। गुणक को निम्नलिखित में से किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है, आपको पता होगा गुणक क्या है, एक अनुपात है आय में परिवर्तन का, आप एक बार देखिए इसको। तो आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि मल्टीप्लायर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, तो 40 का आंसर क्या होगा, 40 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ये आपको फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, के इज इक्वल टू डेल वाई चेंज इन आई, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू, ये अनुपात है एक तरह से। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया कि परिवार फर्मों को निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं प्रदान करते हैं। मैं सारी चीज़ों को ज़्यादा डिटेल में नहीं ले रहा हूं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएंगी, आपको सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करना है, क्रैश कोर्स में लेने जा रहा हूं, वहां पे आप कीजिएगा तो सारी चीज़ें वहां पे डिटेल में समझाई जाएंगी, है ना। विच सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाई फैमिलीज टू ए फर्म, भूमि, श्रम मतलब कि लैंड, लेबर, पूंजी और उद्यम, कैपिटल एंड एंटरप्राइज, उपयुक्त सभी ऑल ऑफ दिस, तो एल ऑफ ऑल द अबव। तो आपको 41 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी ऑल ऑफ दिस, ये आपका आंसर सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 42 में देखिए पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टॉक, संपत्ति मतलब वेल्थ, बचत मतलब सेविंग, निर्यात मतलब एक्सपोर्ट, और लाभ मतलब प्रॉफिट। 42 का आपका आंसर संपत्ति हो जाएगा, है ना, वेल्थ हो जाएगा, कि यही स्टॉक है। अगला देखिए पूछ रहा है कि तीन क्षेत्रीय मॉडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल है, तो आपको मैंने 42 का बता दिया कि ए ऑप्शन संपत्ति सही हो जाएगा, 43 में मैं आ गया हूँ, तीन क्षेत्रीय मतलब विच वन इज इंक्लूडेड इन थ्री सेक्टर मेथड, परिवार मतलब फैमिली, फर्म है ना, और गवर्नमेंट मतलब सरकार, और ऑल ऑफ दिस। तो 43 का आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ये सारी चीज़ें आपका शामिल है तीन क्षेत्रीय मॉडल में, तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, उपयुक्त सभी। मौद्रिक नीति के मुख्य उद्देश्य हैं, द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज, क्या हो जाएगा, उत्पादन एवं रोजगार में वृद्धि, इंक्रीज इन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, स्टेबिलिटी इन फॉरेन एक्सचेंज रेट मतलब विदेशी विनिमय दर की स्थिरता, और मूल्य स्थिरता, प्राइस स्टेबिलिटी, और लास्ट में दिया हुआ इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। तो आपको 44 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा, आपको इनमें से सभी चीज़ें सही हो जाएंगी, ऑल ऑफ दिस, डी ऑप्शन इसका सही होगा 44 का। चलिए 45 में चलते हैं, भारत का वित्तीय वर्ष है, फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया, ये आपका आसार है, तो 45 को ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये आपका आंसर सही है, ए ऑप्शन इसका आपका करेक्ट हो जाएगा, 45 का क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए मैं भरने वाला आ गया हूँ खाली स्थान में, तो चलिए इसका देख लेते हैं। आय एवं रोजगार अर्थशास्त्र की एक शाखा है, इनकम इन एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट थ्योरी इज ए ब्रांच ऑफ, क्या हो जाएगा, ये कौन सा ब्रांच का है, तो जो अभी आप पढ़ रहे हैं समष्टि अर्थशास्त्र का ही हो जाएगा, तो आप समष्टि यहाँ भर दीजिएगा, और इंग्लिश वाले बच्चे भरेंगे क्या, मैक्रो, मैक्रो नहीं मैक्रो, मैक्रो जो भी पढ़िएगा, है ना, ये आपको भर देना है। टंकी में रखा पानी ब्लैंक का एक उदाहरण है, वाटर इन रिजर्वायर इज एन एग्जांपल ऑफ, किसका उदाहरण है, पूर्ति का या स्टॉक का, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दे दिया, मैं झूठ में बता रहा था, तो यहाँ पे देखिए समष्टि का आंसर सही हो जाएगा बी, और 47 का आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, स्टॉक उसको कहा जाता है, याद रखिएगा उसको पूर्ति नहीं कहा जाता, आप जो पानी जमा करके रखे वो क्या हो गया, स्टॉक हो गया, किसी की पूर्ति करना को सप्लाई कहा जाता है। विनिमय का माध्यम मुद्रा का कार्य है, क्या कार्य है, प्राथमिक कार्य कि द्वितीयक कार्य है, तो 48 का आंसर हो जाएगा प्राथमिक कार्य ही, ठीक है। द मीडियम एक्सचेंज इज ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी, और बैंकों का बैंक होता है, मैंने अभी बताया था ऊपर आपको, 49 का आंसर हो जाएगा केंद्रीय बैंक, है ना, इज द बैंक ऑफ बैंक्स, तो ए ऑप्शन आपको सही हो जाएगा, बैंक ऑफ बैंक्स इसको कहा जाता है। एमपीसी एवं गुणक में देखिए इस तरह का एमपीसी और गुणक में जो संबंध है ना, वो किस में है एंड किस तरह का है, एंड मल्टी एमपीसी एंड मल्टीप्लायर हैव किस तरह का, डायरेक्ट या इनवर्स मतलब सीधा या विपरीत रिलेशनशिप है, किस तरह का रिलेशनशिप है, 50 का आंसर हो जाएगा डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो इस तरह से मैंने देखिए पार्ट टू में इन सारी चीज़ों को मैंने कवर किया है, अगले पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 में मैं बाकी चीज़ों को कवर करूँगा, और जितने भी सब्जेक्टिव है सारे के सोल्यूशन कराऊंगा। तो आप हमारे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, दो चैनल हमारे नवआभा और बोर्ड आभा, दोनों चैनलों को सब्सक्राइब करके रखना है, जितनी भी जानकारियाँ हैं सबसे अच्छी मिलेंगी यहाँ पे और सबसे अच्छे तरीके से बताया जाएगा, बहुत ही मेहनत लगती है बच्चों। वीडियो को लाइक कीजिए जरूर से, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप से जरूर से जुड़ जाइएगा, है ना। आपके आने वाले गामी एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।